हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शनाय। वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। आई मीन, अगर एमबीए आप एचआर के थ्रू करते हो तो क्या आपका करियर ग्रोथ होगा, कौन सी जॉब प्रोफाइल पे आपकी प्लेसमेंट लगेंगी, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस की कौन से आप बीस कोर्स को सेलेक्ट करते हो, और इसके बाद सैलरी की प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो प्लेसमेंट क्या रहेगी, कौन से जॉब रोल पे आपका प्लेसमेंट होगा, तो आप इन सारी चीज़ों पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमने अपना टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है एडमिशन मीडिया के नाम पे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करें, या जो भी क्वेरी होगी वहाँ आप जाकर क्वेरी रेज करें, वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। चलिए बात करते हैं कि एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर होता क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे, अगर इस कोर्स का नाम की बात करें, मैंने बता दिया कि अगर आप एमबीए इन एचआर करना चाहते हैं तो आपकी जो कोर्स का नाम मैंने बता दिया। कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 2 साल की कोर्स ड्यूरेशन है। सेमेस्टर की अगर बात करें तो टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। बात की जाए कि एग्जाम टाइप क्या होगा, तो आपको बता दें कि इस कोर्स में जो भी एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। और अगर आप क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको कोई भी यूजी ग्रेजुएट हो या कोई ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से वो एलिजिबल है। उसका अगर मार्क्स मिनिमम 50% है ग्रेजुएशन में, या तो वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो ही और शी इज एलिजिबल टू डू एमबीए इन एचआर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। अगर बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा इसके लिए, तो आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट बी स्कूल से, लाइक कैट, जैट, मैट, स्नैप, के मैट, जी मैट जैसे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम है जो अलग अलग टॉप बी स्कूल्स या गवर्नमेंट बी स्कूल्स, प्राइवेट या गवर्नमेंट बी स्कूल्स कराती हैं। उसके बेसिस पे आपका जीडीपी राउंड होता है, आपका स्कोर कार्ड देखा जाता है, 10-12 का मार्क्स देखा जाता है, ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स क्या है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है एमबीए इन एचआर में एनरोल करने के लिए। वही अगर हम बात करें कि कोर्सेज और फीस क्या पड़ेगा आपको, तो मिनिमम आपको 60K टू लेकर 12 लाख तक की फीस पड़ेगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, कॉलेज की जो है कि कॉलेज की प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज प्लेसमेंट कैसा है, कौन कैसा एनवायरमेंट है, क्या वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन सा करा रहे हैं, उनकी एवरेज प्लेसमेंट क्या है, सारा चीज़ देखा जाता है। और इसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट की दैट कॉलेज दैट बी स्कूल परफेक्ट फॉर यू और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि एवरेज सैलरी क्या पड़ेगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि 25K थ्रू लेके 12 लाख तक की आपकी एवरेज सैलरी पड़ेगी, जिसमें आपको अलग अलग जॉब रोल पे आपका जॉब लगेगा। अगर आप एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज को चेक सेलेक्ट कर रहे हो एमबीए इन फाइनेंस एमबीए इन एचआर करने के लिए। उस कॉलेज के रैफ रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट जो है कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप अच्छे कॉलेज में लेते हो एडमिशन एमबीए इन एचआर करने के लिए, तो आपका प्लेसमेंट होना 100% श्योर रहेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बजट क्या है और आप कौन से कॉलेज को देख रहे हो। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जॉब रोल पे अगर आपकी जॉब लगेगी, कौन से जॉब प्रोफाइल पे अगर आप एमबीए एचआर करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पोस्ट पे लग सकती है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, कंपनसेशन मैनेजर में, ये दीज आर द डिफरेंट जॉब रोल्स है जिसपे आपका जॉब लग सकता है अगर आप एमबीए एचआर करते हैं। तो ये तो कंप्लीट एनालिसिस एमबीए एचआर के बारे में। अगर इसके अलावा आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जाके हमारे टीम से व्हाट्सअप चैट या कॉल करके बात भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारी टीम पिछले 12-15 ईयर से अलग अलग बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट टू द बेस्ट कॉलेज इन लोवेस्ट बजट में सेटल करती आई है। तो अगर आप एमबीए में एडमिशन के लिए देख रहे हो और कोई भी इंक्वायरी आपकी है रिगार्डिंग एडमिशन इन एमबीए किसी भी कॉलेज की, तो आप हमें तुरंत कॉन्टेक्ट करें। वी विल श्योरली हेल्प यू टू गेट योर एडमिशन ऑन दैट प्राइवेट और गवर्नमेंट बी स्कूल अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।